मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं के छात्र आयुष्मान ताम्रकार साधारण परिवार से हैं। आयुष्मान ताम्रकार के पिता आदर्श गार्डन में वॉचमैन के पद पर कार्य करते हैं। आयुष्मान उच्च शिक्षा प्राप्त कर इंजीनियर IPS बनकर देश की सेवा करना चाहता है। वहीं गगनदीप दीक्षित गौर समझार सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र है और साधारण किसान का बेटा है जो IPS बनना चाहता है। दोनों छात्रों ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर प्रदेश में अपने माता पिता टीचर एवं नगर का नाम रोशन किया है। अपनी सफलता का श्रेय दोनों छात्रों ने अपने माता पिता एवं टीचर को दिया। जैसी नगर सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा राधिका मिडोतिया ने कक्षा 10वीं में 97.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राधिका आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर IPS बनना चाहती है, IPS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। ये आपने जो टॉप किया है तो उसकी क्या दिनचर्या रही आपकी? दिनचर्या तो सामान्य रही, सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। कितने घंटे आप पढ़ते थे? 10 घंटे पढ़ते थे। 10 घंटे और इसमें आप खेलने वाले दिनचर्या क्या थी? खेलने कितने घंटे खेलते थे आप? खेलते टीवी देख लेते थे मनोरंजन के लिए। अच्छा, और आपके किसने आपने ज़्यादा हेल्प की पढ़ाई के लिए? दोस्तों ने, माता पिता ने और शिशु मंदिर परिवार, पूरा शिशु मंदिर सहयोग के लिए खड़ा रहा। आपके बच्चे ने टॉप किया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा और क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे ने टॉप किया है, खुशी का माहौल है। इसी हमारी इच्छा थी हमारा बच्चा टॉप 10 में आए, इसलिए हमने उसके साथ बहुत मेहनत की पढ़ाई की। मध्य प्रदेश में टॉप किया है, किसे आपने आदर्श माना, कैसे पढ़ाई की पूरा बताएं? मैंने अपने आदर्श गुरुजनों को माना, उन्होंने जो पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ा और मैंने, मेरा पढ़ाई करने का कोई टाइम नहीं रहता था, जब टाइम मिल जाता था करता था, लेकिन मन लगा के करता था। मैं कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 1 घंटे या कभी 6 या 7 घंटे ही हो जाती थी। किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं अपने स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल श्री आर के वैद्य को और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। देवरी और सागर जिले के लिए गौरव का दिन है कि हमारे क्षेत्र के होनहार बालक गगन दीक्षित ने पूरे प्रदेश में नाम गौरवान्वित किया है, गौरझमर का और देवरी विधानसभा का। निश्चित रूप से उनके माता पिता और आचार्य बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं कि ऐसे होनहार बालक को आगे बढ़ने में मदद की। आज इस अवसर पर मैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ सागर जिले के लोगों के छात्र छात्राओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरिट सूची में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। निश्चित रूप से हमारे लिए, सागर के जिले के लिए गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि जो प्रवीण सूची निकली है उसमें पांच छात्राएं सागर जिले की हैं। आज इस अवसर पर मैं सभी उन छात्र छात्राओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने कठिन मेहनत करके परीक्षा में अच्छे रिजल्ट लाए हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।